शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 4 हॉकी का जादूगर का पेज नंबर 21 करेंगे। तो पेज नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, हमें अभ्यास। तो बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो हमारा किसी भी पाठ का अभ्यास आता है, तो ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस अभ्यास में हमने क्या किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं पाठ 4 हॉकी का जादूगर का अभ्यास। तो सबसे पहले क्या दिए हुए हैं, आइए शब्दों के अर्थ जाने। तो इसमें हमारे लिए कुछ नए शब्द आए हैं जिनका अर्थ क्या होता है, अचंभित। अचंभित का मतलब होता है हैरान, जो हम ना सोचे वैसा कुछ हो जाए तो हैरानी के भाव हमारे ऊपर चेहरे पर आते हैं, जिसको अचंभित कहते हैं या फिर हैरान कहते हैं। आग्रह, हम किसी को कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट बोलते हैं, जिसको हम निवेदन करते हैं उसको क्या कहते हैं, आग्रह। तो आग्रह का मतलब क्या होता है, निवेदन करना। अग्रिम का मतलब होता है सबसे आगे, अग्रिम का मतलब सबसे आगे, कि जैसे वह लड़का सबसे आगे बैठा था तो वो क्या हुआ, अग्रिम। क्रूरता का मतलब निर्दयता, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो। गुर सिखाने का मतलब दाव पेच सिखाना, कि कोई भी खेल होता है उसको किस प्रकार जीता जाए, इसके लिए कुछ गुर होते हैं, कुछ दाव पेच होते हैं, तो गुर सिखाने का मतलब दाव पेच सिखाना। चिंतित का मतलब होता है चिंता करना या परेशान होना, चिंतित का मतलब परेशान। प्रशिक्षक क्या होता है बच्चों, जो खिलाड़ियों को खेल के बारे में जानकारी देता है, उनको बारीकियां बताता है, उसे प्रशिक्षक कहते हैं, यानी कि प्रशिक्षण देने वाला। राज होता है रहस्य, जिसके बारे में पता नहीं होता, जैसे ध्यानचंद है, वो धड़ाधड़ गोल करता रहता था, तो वो सबके लिए एक राज था कि वो कैसे करता है। विनम्र भाव से कि बिल्कुल नरम भाव से। विपक्षी, विरोधी, जो टीम के साथ, जिस टीम के साथ हम खेलते हैं वो हमारी विपक्षी टीम होती है, यानी कि विरोधी टीम होती है। शिकस्त का मतलब हराना, किसी भी सामने वाली टीम को जब हम हराते हैं तो कहते हैं कि हमने उस टीम को शिकस्त दी, यानी कि हरा दिया। तो बच्चों, ये जो शब्द अर्थ है इनको अपनी कॉपी पे लिखना है, और फिर इसकी फोटो अपने टीचर के पास जरूर भेजनी है, और ये जितने शब्द अर्थ हैं इनको आपने याद भी करना है कि इसका अर्थ ये होता है। तो चलो, अब हम इसके नीचे का दूसरा भाग है पार्ट से। तो इसमें क्या है, हमें प्रश्न दिए हुए हैं, उसके उत्तर हमें करने हैं। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव होने पर भी वे मैच खेलते रहे, इसका क्या कारण था। तो जब ध्यानचंद ने गोल किया परंतु जो गेंद थी वो गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई, तो तब उन्हें शक हुआ कि जरूर गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई कमी है, तो ये उनके चेहरे पे अफसोस के भाव थे, परंतु फिर भी वो मैच खेलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो गलती है, जो कमी है, वो गोल पोस्ट में है, ना कि उसके गोल में, इसलिए वो अफसोस के साथ मैच खेलते रहे। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, गोल ना होने पर उन्हें गोल पोस्ट की ऊंचाई पर शक हुआ, वे अफसोस के साथ
खेलते रहे। तो उन्हें जब गोल नहीं हुआ तो उन्हें गोल पोस्ट की ऊंचाई पर शक हुआ और वो इसी अफसोस में खेलते रहे। दूसरा प्रश्न है, ध्यानचंद की खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी, इसका पता कैसे चलता है? तो जब विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उसके सिर पर सिटिक दे मारी तो उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, बाहर आकर उन्होंने पट्टी करवाई और दोबारा फिर वो मैदान में जाकर अपना खेल शुरू कर दिया। तो ये क्या है, खेल भावना और अनुशासन, खेल भावना अनुशासन और धैर्य की भावना का परिचय दिया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा चोट पहुंचाने के बाद भी वे पट्टी करवाकर खेलते रहे। कि विरोधी टीम के खिलाड़ी द्वारा चोट पहुंचाने के बाद भी वे पट्टी करवाकर खेलते रहे, इससे उनकी खेल भावना में अनुशासन और धैर्य की भावना का पता चलता है। ध्यानचंद के बचपन का क्या नाम था, उसका नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा? तो ध्यानचंद के बचपन का नाम क्या था, बताओ, ध्यानचंद के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम ध्यान सिंह था। क्या था? ध्यान सिंह। और इस इनका नाम ध्यानचंद किसने रखा था, किसमें नौकरी की थी उन्होंने, उन्होंने, हाँ बोलो, हाँ फौज में नौकरी करते समय उसके अधिकारियों ने उसका नाम ध्यानचंद रखा। उसका नाम ध्यानचंद रखा। तो चलो अगला पेज करते हैं, पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में क्या है, हिटलर खेल का मैदान छोड़कर क्यों चले गए? जर्मनी की हार के कारण वे मैदान छोड़कर चले गए। उन्होंने अगले दिन ध्यानचंद को क्या प्रस्ताव दिया? तो अगले दिन जब ध्यानचंद उनसे मिलने गए थे तब उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया, उन्हें सेना में बड़ा पद, बड़े पद की पेशकश की। बड़े पद की पेशकश की, उन्हें सेना में बड़े पद की पेशकश की कि उन्हें बड़ा पद देंगे। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद की चार हाथों वाली मूर्ति कहाँ स्थित है? उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि उनकी चार हाथों वाली मूर्ति कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में
है। उनकी ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई? क्योंकि लोगों का मानना था कि उन पर कोई दैवीय शक्ति है। कि उन पर कोई दैवीय शक्ति है और दो हाथों से इतने गोल नहीं कर सकते, इसलिए उनकी चार हाथों वाली मूर्ति बनाई गई। 1932 के ओलंपिक कहाँ हुए? इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? 1932 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में हुए। कहाँ हुए? लॉस एंजल्स में हुए। इसमें कौन सा विश्व रिकॉर्ड बना? इसमें भारत ने अमेरिका को ~24 से हराया। कितने से हराया? 24-1 से हराया। तो 24-1 का क्या मतलब होता है बच्चों? भारत ने 24 गोल किए और अमेरिका ने एक गोल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका को 23 गोल से हराया। तो इसको हम 23 से नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? 24-1 से हराया। तो बच्चों आज बस इतना ही। ये जो प्रश्न किए हमने, शब्द अर्थ किए हैं, इनको अपनी कॉपी पे लिखना है और इस कॉपी की फ़ोटो अपने टीचर के पास ज़रूर भेजनी है और इनको याद भी करना है। तो अगली वीडियो तक बाय बाय।